तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कर लिए थे बोले? अच्छा, अध्याय 15 भी देख लिए थे, धारा भी देख लिए थे, अनुसूची भी देख लिए थे। चलो अब हमको पढ़ना है 73वां संविधान संशोधन 1993 और उसका दूसरा आर्टिकल अनुच्छेद 243 ए क्या आएगा? ग्राम सभा। तो आज के क्लास में हम पूरा ग्राम सभा को पढ़ेंगे, ठीक? जैसे हेडिंग डाला हूं वैसी हेडिंग डालना है बीचों बीच, ग्राम सभा। ठीक है, चलो सबसे पहले ग्राम सभा जो है उसका वर्णन कहां है, ठीक है? अभी लिखो मत, मैं अब जैसा लिखाऊंगा वैसा लिखेंगे, है ना? पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राम सभा का वर्णन या उल्लेख कहां कहां है, और याद करते चलना भाई, ठीक है? ग्राम सभा का वर्णन या ग्राम सभा का उल्लेख संविधान में कहां है, ठीक? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा। तो ग्राम सभा का वर्णन आपको याद रखना है कि भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में, भारत के संविधान में आपका अनुच्छेद या आर्टिकल आर्टिकल 243 ए में है पहला आंसर, याद रहेगा? अनुच्छेद 243 ए में याद रखना है। साथ ही हम लोग पढ़े हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, क्या पढ़े? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 2, एक बार अध्याय 2 को देख लो आप लोग, अध्याय 2 के धारा 6 और 7 में, अध्याय 2 के धारा, ठीक है, अध्याय 2 में आपका धारा 6 और 7 में याद रखना है, ठीक है? धारा 6 और 7 में याद रखना है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के धारा अध्याय 2 और धारा 6-7 में। अगर हमें बोला जाए कि अनुसूचित क्षेत्र में, कहा? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का वर्णन, कहा? अनुसूचित क्षेत्र में, यह मैं सामान्य क्षेत्र की बात किया, अनुसूचित क्षेत्र में बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 14 का दिख रहा है? Yes, sir. अध्याय 14 का के धारा 129 दिख रहा है? Yes, sir. धारा 129 क ख और ग में कहां कहां? क ख और ग में ग्राम सभा का वर्णन है। सीधे सीधे इसको रटना है क्वेश्चन, ठीक है? ग्राम सभा पढ़ रहे हैं, आर्टिकल हम लोग 243 ए में, 73वां संविधान संशोधन हमने शुरू कर दिया है। अब पूरा हमको 15 आर्टिकल देखना है, परिभाषा को छोड़ देना, परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक? परिभाषा तो हम लोग 73वां संविधान संशोधन, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो सीधा हमको क्या शुरू करना है? ग्राम सभा से, ठीक है? हम लोग पढ़ रहे हैं सीधा के सीधा आर्टिकल 243 ए। इसी तरीके से हमको बाकी आर्टिकल भी देखना है, या अनुच्छेद 243 का, ठीक?
ग्राम सभा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि ग्राम सभा का वर्णन कहां कहां है, तो कहां है भाई? तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1993 के अनुच्छेद 243, ठीक है, 243 एक इसमें है भाग, भाग नौ। कहां से कहां है भाग नौ में? 243 से 243 वो तक है ना जी, भाग नौ में याद रखना है, संविधान के भाग नौ आर्टिकल 243 ए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय दो के धारा, अध्याय दो के धारा 6 और 7 में, और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का वर्णन कहां है? तो अध्याय 14 क के धारा 129 क ख और ग में याद रखना है, याद रहेगा। ये हो गया ग्राम सभा का वर्णन। अब ग्राम सभा का वर्णन है तो सबसे पहले ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा को पढ़ने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि ग्राम क्या होता है, ठीक है, समझ आ रहा है, याद करते चलना है। ग्राम क्या होता है? तो ग्राम की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल इसकी अधिसूचना जारी करता है, या कहा जा सकता है कि राज्यपाल ही किसी गांव को गांव है करके घोषित करता है। किस आधार पर घोषित करता है सर? तो जो गांव है, गांव रहेगा, वो गांव किसको बोलेंगे, गांव या ग्राम? एक तो वहां के लोग समुदाय में या छोटी छोटी बस्तियों में रहेंगे, रहते हैं क्या? छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं गांव के लोग, देखे होंगे ये बस्ती वो बस्ती सब, ठीक है। साथ ही जहां की जनसंख्या कुछ 100 से लेकर के 5000 के बीच हो, 100 से 5000 के बीच हो यहां की जनसंख्या, ठीक है, और जहां के 75% या अधिकांश लोग कृषि कार्य कर रहे हो, कृषि या उससे संबंधित कोई अन्य कार्य, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? गांव कहेंगे, ठीक है, जिसे राज्यपाल क्या घोषित करेगा या अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो याद रहेगा, याद रखना है। ग्राम क्या होता है समझ में आया? अब हमको समझना है ग्राम के बाद ग्राम सभा क्या होता है। एक एक चीज ध्यान से समझते चलना, याद करते चलना है, बहुत आराम से एक एक चीज लिखते, और कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आप लोग को याद हो जाए, ठीक है ना, इसीलिए फास्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। गांव का सबसे पहले ग्राम सभा का वर्णन भाग नौ, भारतीय संविधान के भाग नौ आर्टिकल 243 ए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय दो धारा 6 और 7, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा का वर्णन अध्याय 14 क के धारा 129 क ख ग में, ठीक है। ग्राम की अधिसूचना कौन, ठीक है, गांव होने के लिए 3 शर्तें सामान्य तौर पर कि छोटी छोटी बस्ती में रहेंगे, 100 से 5000 के बीच जनसंख्या रहेगी, और 75% से अधिक लोग क्या करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, ठीक, यहां तक समझना है। अब हमको समझना है कि ग्राम सभा किसको बोलते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? किसी एक ग्राम पंचायत ठीक है, अभी पन्ना नंबर पढ़ लो, लिखने का मत करो, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा इसको भी समझो, एकदम नया टॉपिक है ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से चल रहा है, याद करते चलिए, यहां से आप यहां से भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा,
ठीक है ना। ग्राम सभा किसको बोलेंगे, तो किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव, ठीक, ये गांव एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक। क्यों एक या एक से अधिक हो होते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत बनने के लिए मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उस गांव की जनसंख्या मिनिमम 1000 होनी चाहिए। अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से कम है तो दो या दो से अधिक गांव, अगर दो गांव का भी मिला के नहीं हो रहा है तो उससे और अधिक गांव मिला करके ग्राम पंचायत बनेगा। और उस ग्राम पंचायत में जितने भी गांव आएंगे, एक्स वाई जेड जो भी गांव आएंगे, जितने भी उस गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ये एक्स गांव में, वाई गांव में और जेड गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं, उन रहने वाले लोगों में जिनकी उम्र आयु 18 वर्ष से अधिक है, पहला शर्त 18 वर्ष से अधिक। लेकिन बस इतने में ही काम नहीं चलेगा, 18 वर्ष से अधिक हो और वहां के मतदाता सूची में नाम हो। और जिन भी लोगों का उस मतदाता सूची में नाम होगा, उनसे मिलकर के जो सभा बनेगी, उसी को ही क्या कहेंगे, समझ आया कि नहीं, ठीक है। किसी ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी गांव आएंगे, वहां रहने वाले लोग रहेंगे, उन रहने वाले लोगों में से जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक रहेगी और उस वहां के मतदाता सूची में, ठीक है। एक गांव में एक ग्राम सभा होगा, एक गांव में, अभी उसको देखेंगे, ठीक। और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन और उनका मतदाता सूची में नाम है, उन सारे लोगों से मिलकर के बनी सभा क्या कहलाएगी, ग्राम सभा। याद रखना है, याद रहेगा, याद रखना है। अब ग्राम सभा ये समझ में आया, और ग्राम पंचायत होने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 1000 से अधिक। ग्राम पंचायत को भी आगे समझेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर देखेंगे ग्राम सभा का जो गठन होता है, या हम देख लेते हैं एक बार कि ग्राम सभा जो है, इसको ग्राम सभा क्या है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्या है, ग्राम सभा के बारे में कुछ चीजें आपको सीधे सीधे जैसा बता रहा हूं वैसे याद करना है। ग्राम सभा जो है स्थायी निकाय है, क्या है, क्यों स्थायी निकाय है सर, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति का नाम उस मतदाता सूची में जुड़ जाता है, फिर आजीवन वो जुड़ा रहेगा और वो आजीवन इस ग्राम सभा का सदस्य रहेगा। चूंकि ये ग्राम सभा का सदस्य कोई ना कोई तो रहेगा, इसलिए ये एक स्थायी निकाय है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है, याद रहेगा, कभी भी भंग नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा, स्थायी निकाय है जो कभी भी भंग नहीं होगा, याद रहेगा। यह पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला बोलते हैं इसको, पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है, याद रहेगा, याद रखना है। साथ ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर का ये बॉडी है, या कहा जा सकता है आधार है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है बोल सकते हैं इसको, याद रहेगा, याद रहेगा। स्थायी निकाय है, इसको नहीं भूलना है, कभी भी भंग
एक एक बार में एक व्यक्ति अगर उसका मतदाता सूची में नाम है, अगर ग्राम सभा का सदस्य है, तो वह आजीवन उस ग्राम सभा का सदस्य रहेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? Yes, चले आगे और देख लेते हैं। अगर हम ग्राम सभा के गठन की बात करें, ठीक है, समझ आ रहा है जी। ग्राम सभा की अगर गठन की बात की जाएगी तो वही वापस से कहा जाएगा कि ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के लोगों का, जिसका 18 वर्ष से अधिक है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, उससे मिलकर के जो सभा बनेगी उसी को याद रहेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, प्रत्येक एक ही ग्राम सभा होगी, प्रत्येक ग्राम में एक, कितना, केवल और केवल एक, एक से अधिक हो ही नहीं सकता किसी भी शर्त पे। परंतु लेकिन अगर एसटी क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति अगर वहां रह रही है, तो वहां यह छूट दिया गया है कि एक से अधिक, याद रहेगा। लेकिन अगर सामान्य ग्राम है या एक राजस्व ग्राम है तो वहां एक ही ग्राम सभा रहेगा, याद रहेगा। और इस ग्राम सभा के शक्तियों का निर्धारण, इस ग्राम सभा के जो शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगी, राज्य या विधानसभा करेगी, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। राज्य विधानमंडल ही सही है, ठीक है, विधानमंडल और विधानसभा में अंतर है, अंतर है ना। जितने लोग इलेक्टेड होकर के आए वो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनमें जो मंत्री बने वो विधानमंडल के सदस्य हैं। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं? Yes, समझ आया कि नहीं? जितने भी लोग सब चुन गए, अभी देखो ना जी, सब चुन गए, सब मंत्री हैं क्या? नहीं, तो जो मंत्री बने वो विधानमंडल, ठीक, समझ में आ रहा है। Yes, तो इनका गठन याद रहेगा, याद रहेगा। Yes, ग्राम सभा के गठन की बात कर रहा हूं, ग्राम पंचायत के नहीं, समझ आ रहा है। तो प्रत्येक ग्राम में कितना होगा, एक ही होगा, ठीक, लेकिन एसटी क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में एक से अधिक हो सकते हैं। और इनकी शक्तियों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधान मंडल, याद रहेगा, याद रखना इसमें, ठीक है। हाँ, अगर हम ग्राम सभा के कार्यकाल की बात करें, ठीक है, तो अभी मैं बताया कि ग्राम सभा का कार्यकाल, ये एक स्थायी संस्था है, कभी भी भंग नहीं होगा, तो कार्यकाल इसका भंग नहीं होता, स्थायी संस्था है। एक बार अगर ग्राम सभा बन गया तो आजीवन रहेगा उस व्यक्ति, स्थायी संस्था, याद रहेगा, याद रखना है। अगर बोलेगा कि क्या ग्राम सभा में निर्वाचन का कोई भी प्रावधान या कोई भी चीजें हैं, तो ग्राम सभा का सदस्य तो स्वतः ही वो व्यक्ति हो जाता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और मतदाता सूची में नाम है, तो किसी भी प्रकार का निर्वाचन यहाँ नहीं होता है, याद रखना है, याद रहेगा, कोई भी निर्वाचन नहीं होगा, बनेगा, बनेगा। कार्यकाल पूछा जाए तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रहता है।
कोई भी व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रह सकता है। ठीक है। अच्छा, मतदाता सूची की बात किए हम लोग यहाँ पास, ठीक है, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, है ना। तो मतदाता सूची से भी कुछ चीजें यहां याद रखनी है। एक गांव में केवल और केवल एक गांव का या एक ग्राम सभा का एक ही मतदाता सूची बनेगा। कितना? ठीक, एक ही मतदाता सूची बनेगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी एक गांव के मतदाता सूची में यदि उसका नाम है तो किसी भी दूसरे मतदाता सूची में उसका नाम नहीं होगा। समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, यदि मेरा इस गांव में मतदाता सूची में नाम है तो किसी और अन्य गांव के मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं हो सकता। ये मतदाता सूची को याद रखें। ठीक है, हर एक गांव में एक मतदाता सूची होगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक से अधिक गांव में के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। याद रखना है, बनेगा, याद रखना है। ठीक, बनेगा जी? जी। चलो पहले इतना करते हैं, फिर हम लोग इसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, कल बताया था फिर भी एक बार और। ठीक है, ग्राम पंचायत, अभी हम लोग यहां पास शब्द यूज किए थे ग्राम पंचायत, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, कल भी देखे थे लेकिन और थोड़ा देख लेते हैं इसको। वैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में और अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है, जब पंचायतों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर भी यहां एक छोटा सा, क्योंकि ग्राम पंचायत क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक है, ग्राम पंचायत बनने के लिए किसी एक गांव, किसी गांव की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। याद रहेगा, जनसंख्या वहां का कितना होना चाहिए? 1000। ठीक है, मान लो कोई एक गांव है, जैसे कि एक्स अपन लिए थे अभी, यहां गांव की जनसंख्या मान लो 400 है, वाई कोई गांव है जहां की जनसंख्या 300 है, ठीक है, जेड जो गांव है जहां की जनसंख्या 500 है। ठीक है, तो क्या ये तीनों मिलकर के क्या ये अकेला गांव ग्राम पंचायत बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां की जनसंख्या तो 1000 से कम है। ठीक है, क्या वाई अकेला ग्राम पंचायत बन सकता है क्या? क्योंकि इसका भी दोनों मिल करके भी बन सकते हैं क्या? तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों की जनसंख्या भी प्लस कर दूंगा तो, समझ आ रहा है, लेकिन अगर इसको मिला देंगे तो, हालांकि ये भी 1000 से कम, अकेले नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर तीनों को मिला दिया जाए x प्लस y प्लस z तो ये अपना कितना हो जा रहा है? 1200। चूंकि 1000 से ज्यादा है, इसीलिए इस तीनों गांव को मिला करके हम क्या बना सकते हैं? एक ग्राम पंचायत बनाएंगे। तीनों को मिला करके क्या बनाएंगे? एक ग्राम पंचायत बनेगा। समझ आ रहा है? ठीक, एक्स ग्राम में एक ग्राम सभा, वाई ग्राम में एक ग्राम सभा, जेड ग्राम में ग्राम सभा। तो एक ग्राम पंचायत में यहां कितने ग्राम सभा होगा? 3 ग्राम सभा। मतलब यह हुआ कि ग्राम सभा से मिलकर के क्या बनता है? ग्राम पंचायत बनता है। ये दोनों में अंतर याद रखना, ग्राम सभा से मिलकर के ग्राम पंचायत बनता है। अब ये तीनों गांव में कौन से गांव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? जेड गांव की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा जेड ग्राम पंचायत। इस गांव ग्राम पंचायत का नाम क्या रखेंगे? जेड ग्राम पंचायत, याद रहेगा। और ये दोनों जो गांव है इसको आश्रित ग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे?
ये याद रखना बनेगा, समझ आया ग्राम पंचायत कैसे बनेगा। ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितना होना चाहिए, ग्राम सभा से मिलकर के ग्राम पंचायत बनेगा। ठीक है, निष्कर्ष तो नहीं, ये निकलता है। चलो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा जहां तक पढ़े हैं रिवीजन करेंगे और साथ में इसको क्या करेंगे अपन लिखते भी चलेंगे थोड़ा। सबसे पहले ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा का उल्लेख साइड में उल्लेख या वर्णन लिख लीजिए, याद भी करते चलना है, रिवीजन भी चलते जाएगा याद भी करते चलना है। उल्लेख कहां कहां भाई, संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 9, यहां से लिखना है सुजीत, है ना, भारतीय संविधान में इधर लिखना था, इधर लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। भाग 9 के अनुच्छेद आर्टिकल 243A में है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम अध्याय 2 के धारा 6 और 7 में है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा का वर्णन छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 14 क और धारा 129 क, ख और ग में है। ठीक, फिर ग्राम क्या है लिखना है, यहां साइड रीडिंग रहेगा, ग्राम क्या है। ठीक है, एक एक करके ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रिवीजन ऐसा कर लीजिएगा पीडीएफ से, और जैसा लिखा रहा हूं ये व्यवस्थित रूप से आप लिख लीजिए। ठीक, ग्राम क्या है, ग्राम या ग्रामों का समूह जिसे राज्यपाल अधिसूचित करता है, ग्राम या ग्रामों का समूह जिसे राज्यपाल अधिसूचित करता है। ठीक, गांव की अधिसूचना कौन देगा, राज्यपाल। ठीक, गांव जो छोटी छोटी मानव जो नहीं जहां गांव जहां छोटी छोटी मानव बस्तियां होती है, गांव जहां छोटी छोटी मानव बस्तियां होती है, जहां की जनसंख्या कुछ 100 से 5000 के बीच होती है, और जहां की अधिकांश आबादी खेती और अन्य परंपरागत पेशे से जुड़े होती है, जहां की आबादी खेती और अन्य परंपरागत पेशे से जुड़े होती है, जहां की अधिकांश जनसंख्या खेती करती है, लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अन्य परंपरागत पेशे से जुड़ी होती है उसे गांव कहते हैं। ठीक है, फिर ग्राम के बाद हमें चलना है ग्राम सभा क्या है, ठीक, किसी ग्राम पंचायत के भीतर, किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले, किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर बनी सभा जिसकी आयु, किसी ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले गांव के सभी मतदाताओं से, अब मत वही देगा जिसकी उम्र, मतदाताओं से मिलकर बनी सभा, ब्रैकेट में लिख लेना, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक,
बनेगा। अब यही मतदाता सूची के बारे में ब्रैकेट करके लिखिए, मतदाता सूची लिखे ना यहां, तो मतदाता सूची के बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। साइड में हेडिंग डाल लीजिए मतदाता सूची, फिर लिखना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय दो के धारा चार और पांच के अनुसार, धारा चार और पांच के अनुसार। ठीक, डैश करके नीचे धारा चार, धारा चार क्या बोलता है भाई, अभी जो मैं बताया प्रत्येक गांव के लिए एक मतदाता सूची होगी। धारा चार क्या कहता है कि प्रत्येक गांव के लिए एक मतदाता सूची होगी। ठीक, और धारा पांच क्या कहता है, धारा पांच ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का, कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मामूली तौर पर निवासी है, जो कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मामूली तौर पर निवासी है, उस गांव की मतदाता सूची में, जो मामूली तौर पर निवासी है, उस गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का अधिकार होगा। छूट गया, प्रत्येक गांव के लिए एक मतदाता सूची होगी धारा चार। धारा पांच में कोई भी व्यक्ति जो उस गांव का मामूली तौर पर निवासी है, उस गांव की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का अधिकार होगा उसको। ठीक, नोट करके वहीं नीचे लिख लेना है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा। एक से अधिक ग्राम के कर लेना, एक से अधिक ग्राम के मतदाता सूची में पंजीकृत कराने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, एक से अधिक गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत कराने के, दोनों जो बताया था। ठीक है, फिर लिखना है ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा क्या है, समझ आ रहा है व्यवस्थित रूप से सारा चीज, समझते भी चलना है याद करते चलना है। यह पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी और स्थायी इकाई है। यह पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी या स्थायी इकाई है। दूसरा नीचे, यह पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला है, या पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का स्थायी निकाय कौन सा है। अभी तो आपको ग्राम सभा पढ़ इजी लग रहा है, 10 दिन बाद पूछूंगा ना गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, इसलिए लिखवा रहा हूं व्यवस्थित रूप से। यह एक स्थायी संस्था है जो कभी भंग नहीं होती है। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब ग्राम सभा से क्वेश्चन बनाएंगे ना
एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब भूल जाओगे तब कराएंगे इसको, लेकिन अभी फट से बना दोगे, 5 मिनट लगेगा। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एकमात्र संस्था है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एकमात्र संस्था है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा कौन सा है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एकमात्र संस्था है, ठीक है। एक लाइन और, ग्राम सभा कॉमा ग्रामीण स्वशासन के, ग्रामीण स्वशासन के न्यूनतम स्तर पर स्थापित, न्यूनतम स्तर स्तर पर स्थापित लोकतांत्रिक संगठन है। यहां लिखा हूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है, लिखा था प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार है। ठीक बनेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ग्राम सभा का गठन, ठीक है। अब ग्राम सभा के सदस्य के बारे में लिख चुके हैं तो बार बार उसको लिखवाना मेरे को उचित नहीं लग रहा है ना। ग्राम सभा का गठन तभी होगा जब वहां के लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में होगा, प्लस तो उसको नहीं लिखा करके सीधे अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। लिख रहे हो तो समझ भी पा रहे हो ना, कल के डेट में अपना लिखा हुआ समझ जाओगे ना भाई, कि बस पता चला समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखे। तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है, ठीक। तथा ग्राम सभा के शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। नोट नीचे, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में, ये जो लिखे अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि, यहां हम लोग पेशा एक्ट के बारे में भी पढ़ते चल रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है। पेशा एक्ट जो 1996 वाला, अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है कि किसी एक गांव में, किसी एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है, किंतु सामान्य क्षेत्र में केवल और केवल एक, ठीक। समझ आ रहा है कि नहीं सारा चीज जी लिख रहे हो। फिर ग्राम सभा का कार्यकाल रीति लिख पाए, ग्राम सभा का कार्यकाल, ग्राम सभा एक स्थानीय निकाय है जो कभी भंग नहीं होती, ग्राम सभा एक स्थानीय निकाय है जो कभी भंग नहीं हो सकती, ठीक। नीचे एक लाइन और, कोई भी व्यक्ति आजीवन
उस ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, यही एक चीज और लिख लेंगे, एक चीज और समझ लेंगे यहीं पर। यदि ठीक है, कार्यकाल या उसकी सदस्यता के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, सुन लो एक सेकंड फिर लिखिएगा। यदि किसी ग्राम सभा के मतदाता सूची में नामित या उसकी सदस्यता, जब मतदाता सूची में नाम रहेगी तो उसकी सदस्यता होगी वहां, होगी कि नहीं? यदि उसकी सदस्यता के संबंध में कोई विवाद हो जाए कि कोई बोल दिया कि अरे भाई इसका तो वाले गांव भी है, कैसे होगा ये भी बता रहा हूं। राम लाल साहू, पिता पुरुषोत्तम लाल साहू, और दूसरे गांव भी सेम टाइप का दिखने वाला सेम व्यक्ति है लगभग, उसका नाम भी क्या है, उसके पिता का नाम भी क्या है, ये तो वहां का आदमी है, ऐसा हो जाता है? नहीं हो सकता दुनिया में कभी। एक शकल के दिखने वाले सात लोग रहते हैं बोलते हैं, पड़ोसी गांव हो गया तो नहीं हो सकता भाई, हो सकता है। तो यदि मतदाता सूची में सदस्यता का कोई भी, सदस्यता संबंधित कोई भी अगर विवाद हो तो उसका निपटारा जो है इस ग्राम सभा का, जो उस ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, इस ग्राम सभा की जो अध्यक्षता करेगा वो उसका निपटारा करेगा। अध्यक्षता करने वाला उसका क्या करेगा, समझ आया कि नहीं? अब वो जाने कैसा करेगा, समझे? और लिखवाएगा उसका और पूर्वज का नाम, कहीं कहीं पता चलेगा, समझ आ रहा है? तो नोट करके लिख लीजिए, ग्राम सभा के सदस्यता के बारे में विवाद होने पर, हो सकता है कि नहीं जी? ग्राम सभा के सदस्यता के बारे में विवाद होने पर उसका हल ग्राम सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करेगा। ठीक है, निर्वाचन लिख लीजिए उसका, ग्राम सभा का निर्वाचन सीधे लिख लेना है कि किसी भी प्रकार का कोई निर्वाचन नहीं होता। सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब कोई एक गांव दूसरे गांव में मिला है, उधर मिल जाए, या कभी कभी जैसे हम लोग कश्मीरी पंडितों को देखे कि भगा दिया गया, पूरा पूरा गांव पलायन कर जाए, नहीं ग्राम सभा कहाँ भंग हुआ? पूरा का पूरा गांव पलायन कर गया, वो तो गांव ही गया, खत्म हो गया, अब वो तो गांव ही नहीं है, गांव ही नहीं है तो फिर समझ में आ रहा है? समझ गया मैं क्या बोल रहे हो जी, समझ गया मैं, स्थायी संस्था ठीक है, लेकिन वहां अगर वो मान लो वापस आ गया तो तो आखिर आजीवन तो रहेगा ना भाई, फिर से उसका मतदाता सूची में नाम रखने की जरूरत है क्या? नहीं है, देखेगा भाई कि मेरा देखो मतदाता सूची में यहाँ नाम है,
है ना भाई, मतदाता सोचे तो भी फाड़ देंगे सर, तुम वैसा मत बोल देना, यहाँ आजकल कंप्यूटर का जमाना है कि नहीं। मतदाता सूची में तो नाम है ना भाई, गांव चला गया क्या हो गया, यहाँ साफ सुथरा लिखा है ग्राम सभा के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वो गांव हो चाहे ना हो, गांव नहीं है पलायन कर दिया तो भी मतदाता सूची का नाम तो है भैया उसका, अब समझ आए है कि नहीं। तो स्थायी निकाय है आपके तरफ से, चलो ठीक, क्या पूछे, हाँ निर्वाचन हो गया ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए कहीं पास, ग्राम पंचायत को क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, एग्जाम्पल करके भी लिख लेना है ना। ठीक, लिख लिया इसको, इसको एग्जाम्पल करके लिख लेना, क्या एग्जाम्पल अपने पास रहता है तो और अच्छे समझ आता है। ग्राम पंचायत हेतु न्यूनतम जनसंख्या लिख लेना, नहीं चले आगे। अब हम लोग देखेंगे ग्राम सभा की शक्तियां। अब देखो ग्राम सभा बन गया, पहले ग्राम सभा बन गया, नीचे स्तर पर ग्राम सभा से मिलकर के ग्राम पंचायत बन गया ठीक है, लेकिन हम लोग अभी क्या देख रहे हैं ठीक है, लिखना नहीं अभी, लिखेंगे अलग तरीके से, हाँ या हेडिंग डालिए चलिए ग्राम सभा की शक्तियां। सर जैसे ग्राम सभा निर्वाचन नहीं होता तो अध्यक्ष को चुनता कौन है, ये अध्यक्ष इस चीज को, सभा का जो है। सब अभी पढ़ेंगे, टेंशन का है ले रहा, अभी आने वाला है, अभी तो शुरू नहीं किया है पढ़ना, सब अभी पढ़ेंगे, कौन अध्यक्ष रहेगा ठीक है, अगर वो नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा, वो नहीं है तो कौन करेगा, सब बताऊंगा, अभी टेंशन मत लीजिए, आज की क्लास में यही सब पढ़ेंगे, भाई पूरा जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक क्लास चलेगा, समझ आ रहे हैं। ग्राम सभा की शक्तियां ठीक है, एवं उनके कार्य ठीक, सात ठू कार्य को याद करना है, जैसा मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना है, पहले शॉर्ट में फिर उसका डिटेल ठीक है ना, समझ आ रहे हैं। सामाजिक अंकेक्षण, शब्द थोड़ा कठिन मिलेगा पर इसका इंग्लिश अपन देखेंगे, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक विकास, सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक और आर्थिक विकास, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं वैसे लिखना है, फिर उसको याद करने के लिए ये फॉर्मूला और लिखने के लिए वो फॉर्मूला।
सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक और संपरीक्षा। ठीक है, समझ आ रहा है? सामाजिक कल्याण या सामुदायिक कल्याण, सामुदायिक, समुदाय का कल्याण कैसे होगा? जब वहां की गरीबी हटेगी, गरीबी उन्मूलन, गरीबी कैसे हटेगी? जब वहां के लोगों का आर्थिक जीवन सुधरेगा या बजट, ठीक है, और साथ में वहां जो सार्वजनिक क्षेत्र है या सार्वजनिक या जिसे बोलेंगे आपका प्राकृतिक स्रोत, जैसे नहर हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, उसका सही से उपयोग किया जाएगा। तो ये शॉर्ट में इतना आपको पहले लिखना है, फिर इसका ये आपको की पॉइंट याद रखना है, फिर की पॉइंट के साथ हम लोग आगे इसका पूरा डिटेल याद करेंगे। अभी आपको शक्तियां हैं तो जब भी ऑप्शन में रहे तो इन की पॉइंट को आपको याद रखना है। हाँ बोल भाई। हाँ, सामाजिक और आर्थिक बोला, लिखना भूल गया है ना, ठीक है, लिख देते हैं इसको भी। कोशिश करता हूँ कुछ छूटे ना, लेकिन सामाजिक और आर्थिक विकास। यहां आपने देखो, यहां हमको अंकेक्षण भी देखोगे तो भी चलेगा, विकास, संपरीक्षा, सामुदायिक कल्याण, गरीबी देखोगे तो भी चलेगा, बजट और प्राकृतिक स्रोत, ये सात कार्य हैं। जैसा लिखा है वैसे लिखना पहले, फिर इसका डिटेल लिख ले। लिखो ना जी। हाँ, एक साथ लिखो ना, एक साथ लिखो, ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है, डिटेल को थोड़ा छोटा छोटा, शॉर्ट को छोटा छोटा लिख लो। सामाजिक अंकेक्षण लिखे हो, डैश करके लिखना है, पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, पूरा याद करने की जरूरत पड़ता लग रहा है क्या कहीं पास? पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट बोलते हैं। सोशल ऑडिट क्या होता है अंकेक्षण? कि कोई भी कार्य यदि हमें करना है, ठीक, तो उसके पहले मेरे पास कुछ डाटा और जानकारी होनी चाहिए, है ना। मेरे को यदि किसी को लाभ पहुंचाना है तो कितने लोग उसको, और मेरे पास कितना साधन है, मेरे को कितने लोगों को चीजें, ये सब डाटा चाहिए कि नहीं चाहिए, बोल सकते हैं, ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण। ठीक, तो पंचायतों के कार्यों का दूसरा सामाजिक और आर्थिक विकास लिखे हैं। ग्राम के सामाजिक तथा आर्थिक विकास संबंधी निर्णय, तो पूरा ज्ञात करने की जरूरत है क्या अपने को? की पॉइंट से ही आप पढ़ा करिए, की पॉइंट से पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ग्राम के सामाजिक तथा आर्थिक विकास संबंधी निर्णय, ठीक, तीसरा ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट, ठीक है, ग्राम पंचायत की संपरीक्षा रिपोर्ट, संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार, चौथा सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए
लोगों को गतिशील बनाना, तो पूरा याद करने की जरूरत लग रहा है क्या? काम का चीज हमको दिमाग में डालना है, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील बनाना, पांचवा चलो, गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए, गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील बनाना। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए लोगों को मोटिवेट करना है उसको, समझ आ रहा है? छठवां, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिश करना। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिश करना। और लास्ट है प्राकृतिक स्रोतों का प्रबंधन। ये देखो, ये सात लिखा हूं, इस सात की पॉइंट्स है, आपको याद कर लेना है। जरूरी नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट ही हम पढ़े और वो याद भी नहीं होता है। इसलिए सबसे ऊपर सामाजिक अंकेक्षण, सामाजिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास, ठीक। उसके बाद संपरीक्षा, संपरीक्षा के बाद क्या आएगा? सामुदायिक कल्याण। कैसे होगा कल्याण? गरीबी, ठीक है, जब गरीबी हटेगा। गरीबी कैसे हटेगा? बजट से, और साथ ही साथ जब प्राकृतिक स्रोतों का सही तरीके से प्रबंधन किया जाए, जैसे नहर, तालाब और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, प्राकृतिक स्रोत है ना ये। चलो आगे, जांच है ना, ठीक, चले आगे। ज्यादा उधर चलूंगा तो फिर पीडीएफ में नहीं आ पाएगा, तो नेक्स्ट कर लेते हैं ना। चलो, सुन लो, आप सुन लो फिर लिखिएगा। समझ आ रहा है? ग्राम सभा से कुछ भी क्वेश्चन आए बनना चाहिए, और ग्राम सभा से एक क्वेश्चन आएगा ही, पहले बता रहा हूं। चलो इधर ध्यान दो फिर लिखिएगा, है ना। अब देखो, ग्राम सभा में लोग हो गए, सदस्य बन गए ना जी। सदस्य बनने के बाद उनकी शक्तियां भी पता चल गई कि इतने मुद्दे पर, सात ये मुद्दे हैं जिस पर वो निर्णय ले सकते हैं, है ना। अरे ले सकते हैं, तो अकेले कोई व्यक्ति निर्णय ले देगा क्या? मैं अकेले, मान लो गांव सदस्य वो हूं, 18 उम्र से ऊपर, मैं जाके यहाँ पानी टंकी बनना चाहिए, वो पंचायत, पंचायत देखो नहीं, वो बेचारे के एक थोड़ा ट्यूबलाइट लगाना रहता है पढ़ने के लिए, तो भी वो लगा नहीं पाता है, सचिव नहीं रहता जी। चाहता तो लगा सकता था, है कि नहीं। गणपूर्ति, गणपूर्ति या इसको बोलेंगे कोरम, क्या बोलेंगे? कोरम। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो ये गणपूर्ति या कोरम होता क्या है इसको समझना है। क्या बोल रहा हूं? ठीक है, यह क्या होता है? यह वह न्यूनतम जनसंख्या है, क्या? वह न्यूनतम जनसंख्या है, जब यह न्यूनतम जनसंख्या उपस्थित रहेगी, इतनी न्यूनतम जनसंख्या उपस्थित रहनी ही चाहिए, यह वह न्यूनतम जनसंख्या है जिनकी उपस्थिति पर ही पंचायतों के कार्य प्रारंभ किए जा सके। समझ आया कि नहीं? यह पंचायतों का निर्णय ले सके।
याद रहेगा। वह न्यूनतम जनसंख्या क्या है इसको समझेंगे। कोई एक न्यूनतम जनसंख्या होगी किसी गांव की, उस गांव में रहने वाले लोग को की कुछ प्रतिशत है, क्या प्रतिशत है आगे बता रहा हूं, उतने लोग उपस्थित रहेंगे तभी पंचायत का कार्य या वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएगा। अब हम समझते हैं कितने लोग, समझ आ रहा है। यदि सामान्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र मतलब समझ गए, अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। यदि सामान्य क्षेत्र है तो वहां की जो जनसंख्या है ठीक का 1/10 या वहां की जनसंख्या का 1/10 कम से कम उपस्थित होना ही चाहिए। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मान लो उस गांव की जनसंख्या 900 है, कितना 900 का 1/10 कितना हुआ, इन 900 में 90 उपस्थित होना ही चाहिए, अभी काम नहीं बना है। और इस 1/10 जनसंख्या का भी 1/3 महिला होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मतलब इसका 1/3 क्या, 90 में 30 महिला कम से कम और 60 पुरुष उपस्थित होने चाहिए। समझ आया कि नहीं अनुज। अगर कोई गांव की जनसंख्या 900 है, मान लो 300 है, 300 है तो कितना हो जाएगा 30, और 30 का 1/3 10, कम से कम उस 30 में 10 महिला होनी चाहिए, तभी वो ग्राम सभा का गण पूर्ति कोरम सामान्य क्षेत्र में माना जाएगा। समझ आया कि नहीं, बनेगा। अनुसूचित क्षेत्र है तो क्या होगा, अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो उसको भी देख लेते हैं। अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो उस गांव की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या मतलब समझ में आ रहा है ना, कुल जनसंख्या मतलब वहां के सदस्य संख्या का बात चल रहा है, कुल नहीं, जो मतदाता सूची में जिसका नाम है ना, समझ आ रहा है, जिसका मतदाता सूची में नाम है, या अनुसूचित क्षेत्र के सदस्य बोल लिख लेते हैं ठीक है। सदस्यों का 1/3 कम से कम उपस्थित, समझ आया। अगर वहां गांव की जनसंख्या मान लो 900 है तो 900 का 3 कितना हो गया, 300 उपस्थित होने ही चाहिए 1/3। अनुसूचित क्षेत्रों में ज्यादा है, थोड़ा सा कठिन रहता है। और इस सदस्य संख्या का मतलब 1/3 जो हुआ ठीक है, इसका भी 1/3 महिला होनी चाहिए। तो गण पूर्ति करना कहां ज्यादा मुश्किल है, इसका 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, समझ आया कि नहीं। गण पूर्ति अपनी शक्तियों का प्रयोग कब करेंगे, 1/10 में भी 1/3 महिला सामान्य क्षेत्र में, और उसमें 1/3 में 1/3 महिला, ठीक है, बनेगा। कुछ समझ नहीं आया बताओ। ये जो गण पूर्ति या कोरम जो है, इतने लोग सामान्य क्षेत्र में आने ही चाहिए और उतने लोग अनुसूचित क्षेत्र में आने, तो इसका जो दायित्व है, गण पूर्ति का जो दायित्व है सरपंच
या पंच करेगा, सरपंच या पंचों का दायित्व है, क्योंकि जिन्होंने उनको चुना है वही उसको बुलाएंगे, जिनको निर्वाचन में निर्वाचित करके उन लोगों ने ऊपर बैठा है, उप सरपंच को नहीं है। समझ आया कि नहीं? हाँ, वो तो बात का है, लेकिन यहां उप सरपंच भी दे देगा आपको, तो वहां उप सरपंच नहीं आएगा, सरपंच को है या तो, क्योंकि जिसको उन्होंने चुना है वही उसको बुलाएंगे, ये याद रखना है। समझ में आ रहा है? बनेगा, अनुसूचित क्षेत्र भी हो गया, ठीक है। अब देखो, ग्राम सभा का अब हमें गणपूर्ति भी हो गया, समझ लीजिए, है ना। तो अब ग्राम सभा में सम्मेलन या बैठक होगा, क्या होगा? सम्मेलन बोलेंगे उसको, ठीक है। समझ आ रहा है? जो आप क्वेश्चन किए थे अब उस पर आ रहे हैं, ठीक है। इस सम्मेलन के किस तारीख को होना है या किस तिथि को होना है, है ना, बताना पड़ेगा। बैठक के दिन आना भैया, किस समय होना है और किस स्थान पर होना है। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनते चलना है, कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना है, ठीक है। अगर सम्मेलन की बात की जाए, अब गणपूर्ति भी मान करके चलो, अब गणपूर्ति भी हम लोग समझ लिए, अब बैठक बुलाना है, किस तिथि को बुलाना है, किस समय बुलाना है, है ना, पता चलेगा। ये बुलाने का और ये सूचना देने का, सबसे पहले सूचना देगा सरपंच। कौन देगा? सरपंच का काम है ये, ठीक। सरपंच यदि उपस्थित नहीं है, उप सरपंच, समझ आ रहा है? उप सरपंच भी नहीं है, पंचायत सचिव, वही पंचायत सचिव वाला देखियो ना, और सचिव जी ऐसा बोलता है, ठीक है। तो सरपंच, उप सरपंच, देखो सरपंच नहीं है तो कौन करेगा? ये नहीं है तो, और उप सरपंच भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है भाई साहब और ये भी नहीं है, तो लोगों को सूचना देने का काम किसका? पंचायत सचिव। समझ में आया कि नहीं? ठीक, समझ आ गया। अब मान लो हम लोग सब गांव के लोग हैं, सरपंच साहब न्योता भेज दिए, अब आना है, ठीक है ना, तब जाओगे कि नहीं? जाना है, नहीं जाओगे तो कैसे गांव काम होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? अब इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है ना। अध्यक्षता करेगा भाई बुलाने काम कौन, तो अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच नहीं है तो आगे मत बोलना ना, ठीक है। उप सरपंच भी नहीं है या दोनों नहीं है, समझ में आ रहा है? दोनों नहीं है तो क्या होगा, उस गांव ग्राम सभा के जो सदस्य है, क्या इस ग्राम सभा के जो सदस्य रहेंगे वो अपने में से किसी एक को निर्वाचित करेंगे, अपने में से किसी एक को, अपने में से किसी एक का चुनाव करेंगे, और वो क्या करेगा? अध्यक्षता। समझ आया कि नहीं? बुलाएगा सरपंच, नहीं तो उप सरपंच, दोनों नहीं है तो पंचायत सचिव। समझ में आ रहा है? पंचायत सचिव को
पंचायत सचिव सदस्य है क्या उस गांव का? वो भी दूसरे गांव से आया रहता है, समझ आ रहा है ना? तो कैसे कर लेगा जब वो सदस्य नहीं है तो उसको बैठने का अधिकार नहीं है, तो समझ आ रहा है ना? कैसे याद कर रखना है इसको? सरपंच नहीं है तो उपसरपंच, नहीं तो वही ग्राम सभा के बीच से किसी एक व्यक्ति को, हो सकता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है उम्र में ज्यादा हो, और भी उसकी योग्यता हो सकती कुछ भी, तो उसका चुनाव करके अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाएंगे, समझ आ रहा है? लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा? ये तो सामान्य क्षेत्र हो गया, समझ में आ गया ना? समझ आ रहा है? अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता, ध्यान से सुन लेना, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की अध्यक्षता हमेशा वहां के सदस्यों से ही चुन करके आएगा, और वो व्यक्ति केवल और केवल अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए। समझ आया कि? समझ आया? अनुसूचित जनजाति के जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही चुन करके आएगा, जो केवल और केवल अनुसूचित जनजाति का होगा, या अनुसूचित क्षेत्र का, या अनुसूचित जनजाति का होगा। समझ आ रहा है? 100% रिजर्वेशन है, समझ लो। समझ आया क्या बोल रहा हूं? अनुसूचित क्षेत्रों में या जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा के अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। ठीक ही, ठीक है। किंतु कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं होगा। मैं बोला ना तो पंचायत सरपंच, उप सरपंच या किसी भी प्रकार का कोई पंच वगैरह नहीं होगा। समझ में आया अध्यक्षता? यदि सामान्य क्षेत्र है तो सरपंच, नहीं है तो उप सरपंच चुन करके आ गया, और लेकिन अनुसूचित क्षेत्र है तो हमेशा चुन करके आएगा एक व्यक्ति, और वो हमेशा। समझ में आया? याद रखना। तो चलो इसको पहले लिख ले क्या, फिर मेरे को और भी चीजें बतानी है। समझ आ रहा है? चलो, तो कहां पहुंचे थे हम लोग? शक्तियां हो गया था, ठीक है। गढ़ पूर्ति या कोरम, सुजीत समझ में आ रहा है? पूरा समझने वाला ही क्लास है। मैं कल बोला था आज का काम पूरा समझने का, कल की जो क्लास में हमने पढ़ा वो रटने का था, उसमें क्या धारा और ये अध्याय वगैरह। गढ़पूर्ति या कोरम, पहले क्या होता है इसको लिख लेते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत के कार्य शुरू किए जा सके, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में पंचायत के कार्य शुरू किए जा सके, उसे गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। यह ऐसा लिख लोगे सामान्य क्षेत्र और ये एग्जांपल करके, इसमें समझ आ जाएगा कि लिखवा दूं? पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर वो लिख लेना, ठीक है। सामान्य क्षेत्र में लिख लो डैश करके, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का, ग्राम सभा के सामान्य क्षेत्र में लिख रहे हैं ना, ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला हो। एग्जाम्पल करके इसको लिख लो। बनेगा?
अनुसूचित क्षेत्र में, डैश करके लिख लो, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक उपस्थित, जिसमें से एक तिहाई महिला सदस्य हो, इस एक तिहाई में से जिसमें से एक तिहाई महिला सदस्य हो, समझ आया कि नहीं, लिखे कि नहीं लिख पाए, एक तिहाई से अधिक जिसमें, हाँ एक तिहाई से अधिक उपस्थित जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य हो, ये लिखे ना जी। ये देखो एग्जांपल भी कर लीजिए, एक तिहाई पहले किए तो 900 का एक तिहाई 300, फिर उसका एक तिहाई 100, तो मतलब क्या होगा, इस 300 में भी 100, 200 पुरुष और 100 महिला, तब जाकर के 300 उपस्थित, समझ आया कि नहीं, 300 प्लस 400 100 जोड़ मत देना उसको, वैसे कह रहा था कि राज ठीक नोट लिख के लिखेंगे। ये जो लिखा हूं, ग्राम सभा में गण पूर्ति या कोरम का दायित्व, ग्राम सभा में गण पूर्ति या कोरम का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों एवं पंचों का होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए तिथि समय स्थान का निर्धारण, सरपंच ब्रैकेट में लिख लेना, नहीं सरपंच के बाद नीचे लिखना उप सरपंच, उप सरपंच के ब्रैकेट में लिखना सरपंच की अनुपस्थिति में, उसके नीचे लिखना पंचायत सचिव, दोनों की अनुपस्थिति में, ठीक। फिर ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता, सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, दोनों नहीं है तो ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में ही, बीच में से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जैसा लिखा हूं वैसे लिख लो। ठीक है, लिखा है नहीं, बनेगा, नोट करके अनुसूचित क्षेत्र में लिख लेना है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष
हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा। ठीक है, लिखा नीचे अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा। यह कोई पंचायत पदाधिकारी सरपंच उप सरपंच या पंच नहीं होगा। बनेगा? तिथि निर्धारित कर दिए, सारा चीज बता दिए, कौन अध्यक्ष करेगा, कौन सारा चीज। अब ग्राम सभा का जो सम्मेलन होगा, ठीक है, सुन लो फिर लिखिएगा। ठीक है, इसके लिए समय निर्धारित किया गया है कुछ। ठीक है, सुन लो इधर, ग्राम सभा का जो सम्मेलन है प्रत्येक 3 माह में एक बार होना ही चाहिए। प्रत्येक 3 माह में एक बार होना ही चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, वर्ष में न्यूनतम 6 बार होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार, ठीक है, और वर्ष में कम से कम 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, दोनों फुलफिल होना चाहिए। समझ आ रहा है ना जी? और इसके लिए 6 सम्मेलन जो है इसका डेट भी बता दिया गया है कि कौन से डेट को ये होना चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, आपका 23 जनवरी, क्या 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, 1 जून में जो एक कोई भी तिथि निर्धारित कर लीजिए, सुझाई गई तिथि, और नवंबर महीने में सुझाई गई तिथि। ये 6 डेट आपको याद रखना है। बनेगा? पांचवा कोई डेट नहीं, सुझाई गई तिथि जो भी होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए तिथि, लिख लीजिए सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में एक बार, और 1 साल में 6 बार अनिवार्य। ठीक है, तारीख लिख लीजिए। तेईस जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, नवंबर और जून। 23 जनवरी,
23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून और नवंबर। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और नवंबर। याद रहेगा? ठीक। और कब कब बुलाया जा सकता है, और कब कब सम्मेलन बुलाया जा सकता है, इसके अलावा भी बुला सकते हैं। सुन लो, जिसे बोलेंगे विशेष बैठक। क्या बोलेंगे? अगर कोई आपात स्थिति आ गई और लगता है कि बैठक बुलाया जाना चाहिए तो बैठक बुलाया जा सकता है, परंतु उसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि अगर ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या जो है, जितनी भी संख्या है, उसका एक तिहाई लोग अगर लिखित में ना, लिखित रूप में, मौखिक नहीं, बार बार बोल रहा हूं, लिखित रूप में अगर आवेदन दे, ठीक है, लिखित रूप में अगर आवेदन है, आवेदन दिया गया है, तो 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है। समझ आ रहा है कि नहीं? 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है। कितने सदस्य? एक तिहाई। ठीक है, एक कंडीशन और है, ये सामान्य लोगों की बात है। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष चाहता है, समझ आ रहा है, जिला पंचायत का अध्यक्ष जी चाहते हैं कि बैठक हो, अगर जनपद पंचायत के अध्यक्ष चाहते हैं, वो नहीं चाहते, तो ये भाई साहब चाह सकते हैं, नहीं तो कलेक्टर साहब भी चाह सकते हैं। क्या समस्या है भैया, क्या है, किस तरीके से, क्या दिक्कत हो रहा है? तीनों में से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, ठीक, तो बैठक बुला सकता है, विशेष बैठक। और ये बैठक अगर बुलाते हैं तो 30 दिन के भीतर बैठक करना अनिवार्य। चलिए, विशेष बैठक लिख लीजिए। ठीक है, इनके आदेश पर लिखेंगे, है ना, ये आदेश करेंगे। विशेष बैठक ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित में मांग की जाए, लिखित को अंडरलाइन कर लेना, लिखित में मांग की जाए तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। ठीक, पहला तब हो सकता है, एक तिहाई याद रहेगा जी। दूसरा कंडीशन, जन जिला पंचायत
अध्यक्ष जनपद पंचायत अध्यक्ष या कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर सम्मिलन करना आवश्यक है। ठीक है, कुछ अधिकार सरपंच भाई साहब के पास भी है, इन लोग के पास है तो है ना, समझ आ रहा है। सरपंच जो है माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा, माह में एक बार सरपंच का अधिकार क्षेत्र में है ये कि कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। ठीक है, यदि सरपंच बैठक बुलाता है, समझ आ रहा है, तो इसकी सूचना जो है कि सरपंच जी ने इस बैठक को बुलाया है, ठीक है, तो जो सचिव जी है पंचायत सचिव, इनके अधिकार है या इनका दायित्व है कि ये सारे लोगों को सूचित करें। ठीक है, पंचायत सचिव, ठीक है, अगर सरपंच बुलाया है कम से कम एक बार बुलाता ही है वो, ठीक, अगर बुलाया है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो पंचायत जो सरपंच जो बुला रहे हैं ना, ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत का बुलाएगा, इसका मतलब इसमें सभी लोग आ सकते हैं, है ना, जैसे कि मान करके चलो 3 गांव में 1 ग्राम पंचायत है, अब सभी जगह रोड खराब है, पैसा तो लिमिट आता है, अब पैसा कभी कभी तो ऐसा होता है कि सरपंच को अपने पैसे से बनाना पड़ता है, बाद में सरकारी पैसा आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो भैया पहली कौन से जगह बनाया जाए, चलो मिलके बात कर लेते हैं, इस टाइप का, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है, चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक, बैठक करके ही लिख लेना, सरपंच माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। यदि सरपंच अच्छा, एक चीज ये कर लेना, एक थोड़ा सा इसमें वो है, यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तब पंचायत सचिव कोई अधिकारी है बैठक बुला सकता है, ऐसा है, ठीक, ऐसा कर लेना, यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मिलन का सूचना जारी कर सकता है,
और यही दूसरा लिखना, यदि जनपद पंचायत, यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए, जनपद पंचायत अध्यक्ष अगर बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। ठीक ठीक, चलो इतना आज के लिए रखें। इसका दो तीन टॉपिक बचा है, इसी में से अगर गणपूर्ति नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी तक तो हो रहा था, जस्ट गणपूर्ति नहीं हो रहा है तो कार्यवाही क्या होगा, किस पर होगा, वार्षिक सम्मेलन भी बुलाया जाएगा तो उस पर क्या निर्णय लेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। दो तीन टॉपिक है, फिर ग्राम सभा कंप्लीट हो जाएगा, बनेगा।